अबाउट द चैप्टर ऑफ कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस होल्डिंग कंपनी और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस एक वीडियो को अगर आपने प्रॉपरली देख लिया तो जो भी आपके इस चैप्टर के रिलेटेड डाउट्स है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम कॉम में ये एक चैप्टर है और ये आपके एग्जाम के पेपर में मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आता ही है बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसको वर्किंग नोट्स कैसे बनाए तो सारी चीजें पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में इसी के लिए मैंने आपको यहां पे डिटेल में लिखा है कि ऑल इन वन वीडियो तो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ऐसे ही मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अमालगमेशन वाले जो चैप्टर है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अर्निंग पर शेयर वाला जो चैप्टर है सभी के वीडियोस आपको इस चैनल पे धीरे धीरे मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें देखो अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये एक चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी लगता है क्यों ट्रिकी लगता है क्या चीजें हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक काम करते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बेसिस पे ही मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं सो so दैट आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए देखो आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है बैलेंस शीट आपके सामने दिया हुआ है एंड बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ऑफ दी फर्स्ट कंपनी एच और सेकेंड कंपनी एस तो कंसॉलिडेशन में होता क्या है कंसॉलिडेशन में हमारे पास दो कंपनीज होती है एक कंपनी दूसरे कंपनी के कुछ शेयर्स को एक्वायर कर लेती है तो so, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी तो कैसे मेजोरिटी माइनॉरिटी ढूंढने का आई विल टेल यू तो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या चेक करेंगे इक्विटी शेयर्स के फेस वैल्यू को चेक करेंगे इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू टेन रूपीज है एच लिमिटेड का है नाइन लैक्स टू लैख फिफ्टी अभी तक हमको ये बैलेंस शीट देख के ये समझ नहीं आ रहा है कि किसने किसको टेक ओवर किया है या किसने किसको एक्वायर किया है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स में जाना पड़ेगा नेक्स्ट हमारे पास जनरल रिजर्व दिया है दोनों कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है दोनों कंपनीज का बिल्स पेबल दिया है दोनों कंपनीज का एंड क्रेडिटर्स भी हमारे पास दोनों कंपनीज का दिया है देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में आपको कैलकुलेशन करने में यूज होगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दी है देन वी हैव स्टॉक डेटर्स कैश एंड बिल्स पेबल बाकी सारी चीजें काम की नहीं है वो डायरेक्टली नए बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमको यूज होगी वो भी बनाना सिखाऊंगा लास्ट में सबसे पहले मेजर पार्ट तो आपका है वर्किंग नोट कैसे बनाने का तो वर्किंग नोट कैसे बनाना है सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को देख लेते एक बार देखो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स है आपके सामने एच लिमिटेड एक्वायर्ड एज इन्वेस्टमेंट फिफ्टीन थाउजेंड शेयर्स इन एस लिमिटेड फॉर वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड देखो पंद्रह हजार शेयर एच ने एक्वायर किए एस में तो यहां पे अगर आप चेक करते तो देखो एच जो है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड अभी किसने किसको एक्वायर किए किसने किसके शेयर्स को एक्वायर किया एच लिमिटेड ने एस के शेयर्स को एक्वायर कर लिया दैट मीन्स एच जो है एच कौन बनेगा एच बनेगा मेजोरिटी पहले ये ढूंढ लेना कि मेजोरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है ठीक है एच के पास एच के पास ज्यादा शेयर्स आ जाएंगे तो एच बनेगा मेजोरिटी और एस बनेगा माइनॉरिटी अभी हमको करना क्या है अभी हमको इसका शेयर कैपिटल देखना है ये कितना दिख रहा है आपको टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दिख रहा है अगर हम फेस वैल्यू टेन की बात करें यहाँ पे तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड को अगर हम टेन से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे कितने मिलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे हमको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स तो काफी सिंपल है पहला यही ढूंढना है आपको ये अगर जब तक आपने सही नहीं किया आगे के वर्किंग नोट्स आपको आएंगे ही नहीं तो सिम से सिंपल है कौन किसको टेक ओवर कर रहा है कौन किसके शेयर्स को एक्वायर कर रहा है तो अगर एच ने एस को एक्वायर किया तो एच विल बी द मेजोरिटी एंड एस विल बी द माइनॉरिटी फिर हमने क्या किया फिर हमने शेयर कैपिटल देखा शेयर कैपिटल को हमको फेस वैल्यू से डिवाइड करना है तो यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स मिला हमको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स मिलने के बाद इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो आप यहाँ पे वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड है यही आपको एडजस्टमेंट में भी दिया है अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट में भी हमारे पास सेम वैल्यू दिया है पंद्रह हजार शेयर्स लिए ठीक है ये हम वर्किंग नोट में बनाएंगे काफी सिंपल है देखो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स अब भी हमने ढूंढा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स में से एच जो है एच एच कितने शेयर्स ले रहा है एच ले रहा है पंद्रह हजार शेयर्स तो एस के पास कितने शेयर्स बनेंगे एस के पास बनेंगे दस हज़ार शेयर्स बराबर पच्चीस हजार में से पंद्रह हज़ार अगर ये लेके गया तो एस के पास कितने बचेंगे टेन थाउजेंड शेयर्स तो इसीलिए एच के पास ज़्यादा शेयर्स है तो हम इसको क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे मेजोरिटी और एस को क्या कहेंगे एस को हम कहेंगे माइनॉरिटी यही हमको वर्किंग नोट में बनाना है सिखाता हूँ फिर सेकेंड एडजस्टमेंट बोला है जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड हैज रिमेन अनचेंज सिंस थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो जनरल रिजर्व अनचेंज बोल रहा है कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का एक वर्किंग नोट बनता है उसके लिए यूज उस होगा दैट ऑल्सो वी विल लर्न नंबर थर्ड प्रॉफिट अर्न बाय एस लिमिटेड फॉर द ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वॉज अमाउंटिंग टू रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड तो ये प्रॉफिट अर्न का भी अदर पॉइंट दिया है तो प्रॉफिट मतलब ये करंट ईयर का प्रॉफिट है इसके लिए हमको एक रेशो ढूंढना पड़ेगा तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट इज ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट तो ये भी हमको कैलकुलेट करना है देखते क्या दिया है ऑन फर्स्ट फेब्रुवरी 2024 एच लिमिटेड सोल्ड टू एस लिमिटेड गुड्स कॉस्टिंग 8000 फॉर 10000 एंड 25 परसेंट ऑफ दिस गुड्स रिमेन अनसोल्ड तो इसका एक वर्किंग नोट बनता है मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद रखना है देखो ये वीडियो अगर आपने प्रॉपरली देख लिया ना इसके बाद आपको कंसोलिडेशन चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला है क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमेशा कंसोलिडेशन में आती है तो एक

कभी एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स पे होता है कभी एडजस्टमेंट डेटर्स पे होता है हमको कुछ करना ही नहीं है वैल्यू देख के माइनस ही करना है तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसा ही एडजस्टमेंट हमको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल पे भी दिया होता है तो कुछ लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट है उ आउट ऑफ द एस लिमिटेड एसेप्टेंस फिफ्टीन थाउजेंड आर दो विच है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एट थाउजेंड वर्थ ऑफ बिल्स रिसीवेबल इन फेवर ऑफ इट्स क्रेडिटर्स कुछ नहीं समझेगा इतना पूरा पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं समझेगा बहुत सिंपल है आपको करना क्या है जब आपके पास दो अमाउंट्स रहेंगे फिफ्टीन थाउजेंड दिया है एट थाउजेंड दिया है हमको करना क्या है हमको बहुत सिंपल चीज करनी है जो भी दो अमाउंट है उसका डिफरेंस लेना है और वो डिफरेंस जो आएगा सेवन थाउजेंड का डिफरेंस आएगा हमारा तो ये एडजस्टमेंट किस पे दिख रहा है आपको बिल्स रिसीवेबल वगैरह कुछ दिख रहा है तो बहुत सिंपल लॉजिक है कुछ भी एडजस्टमेंट आ जाए कुछ भी डबल डबल अमाउंट रहेगा तो दोनों का डिफरेंस लेना है और वो अमाउंट जो आएगा उसको आपको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों में से माइनस करना है दिस इज कॉल्ड इंटर कंपनी कैंसलेशन इंटर कंपनी म्यूचुअल ड्यूज एडजस्टेड ठीक है क्रेडिटर्स में भी हम ऐसा ही करेंगे क्रेडिटर्स में से भी माइनस करेंगे डेटर्स में से भी माइनस करेंगे दोनों जगह पे से आपको माइनस ही करना है बाकी कुछ भी नहीं करना है और एडजस्टमेंट्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है तो अभी हम क्या करेंगे एक एक वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्किंग नोट हमको क्या प्रिपेयर करना है रेशो देखो अभी मैंने आपको एस का एस का वैल्यू बताया था फिर से एक बार लिखता हूँ कितना वैल्यू था एस का इक्विटी शेयर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बराबर इसका फेस वैल्यू कितना था टेन था तो हमको क्या करना है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड को क्या करना है टेन से डिवाइड करना है तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स मिलेंगे ठीक है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स नौ वॉट वे डू डू वेरी सिंपल बाईफर्केशन करना है इसमें से एच और एस अब भी मैंने लिख के ही बताया एच कितने शेयर ले रहा है आपको दिया था एडजस्टमेंट में एच ले रहा है फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स बराबर फिफ्टीन थाउजेंड शेयर्स एच ले रहा है तो एस कितने शेयर्स लेगा एस के पास हो जाएंगे उसके पास टेन थाउजेंड शेयर तो आपको इसका क्या करना है रेशो निकालना है देखो तीन तीन जीरो कट हो गए तो आपका रेशो क्या बनेगा ठीक है थ्री इज टू टू फाइव थ्री झा फिफ्टीन फाइव टू जन तो आपका रेशो क्या बनेगा थ्री इज टू टू मतलब इसका टोटल क्या बनेगा फाइव ठीक है तो काफी सिंपल हो गया पहला पार्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ है आपको नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं उसमें से मेजोरिटी कितना ले रहा है माइनॉरिटी कितना ले रहा है वो करना है लेकिन इसके साथ और एक रेशो आपको प्रियोर पोस्ट का भी ढूंढना पड़ेगा क्यों करना है वो मैं बता देता हूँ देखो एडजस्टमेंट नंबर थ्री में है प्रॉफिट अर्न बाय एस फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अमाउंट टू रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड तो इनका प्रॉफिट कितना दिख रहा है ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट दिख रहा है ठीक है अभी आपको करना क्या है बहुत सिंपल है यहाँ पे एक डेट मैंने नहीं लिखा है यहां पे एक डेट है एच लिमिटेड एक्वायर्ड एंड इन्वेस्टमेंट फिफ्टीन थाउजेंड शेयर्स इन एस लिमिटेड फॉर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स ऑन फर्स्ट जुलाई दो हजार तेईस ठीक है ये डेट यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया है ये डेट है तो आपको अभी करना क्या है आपको इसका रेशो ढूंढना है रेशो क्यों ढूंढना है बिकॉज हमको करंट ईयर का प्रॉफिट दिया और करंट ईयर के प्रॉफिट को भी आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट देखो फर्स्ट जुलाई को उसने एक्वायर किया है तो इसका भी हम लोग एक रेशो ले लेंगे ठीक है रेशो फॉर करंट ईयर प्रॉफिट कब एक्वायर किया फर्स्ट जुलाई दो ठीक है बहुत सिंपल है तो आपको कैसे गिनना है अप्रैल से लेके जून अप्रैल टू जून तो कितने मंथ्स हुए आपके थ्री मंथ्स और फिर जुलाई टू मार्च कितने मंथ्स हुए आपके नाइन मंथ्स तो आपका रेशियो क्या बनेगा थ्री इज टू नाइन दैट विल बी वन इज टू थ्री ठीक है ये हमेशा नहीं बनाना है जब आपको करंट ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा तभी बनाना है और करंट ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा तो एक्विजिशन का डेट भी आपको दिया जाएगा तो दैट इज द फर्स्ट वर्किंग नोट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आई होप दिस वर्किंग नोट इज क्लियर टू एवरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शेयर्स का रेशो ढूंढेंगे उसके बाद हम लोग प्रॉफिट के लिए अगर प्रॉफिट दिया है करंट ईयर का तो उसका भी रेशो ढूंढेंगे अब इसके बाद का वर्किंग नोट जो बनता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट देखो ये अभी कैसे बनाने का यही इंपॉर्टेंट है और इधर से ही गलतियाँ शुरू हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे पर्टिकुलर्स और कैपिटल और रेवेन्यू में बाइफर्केशन करना स्टार्ट करेंगे पहले आपको मतलब बताता हूँ और उसके बाद फिर हम इसमें बाइफर्केशन करेंगे देखो कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या है ऐसा प्रॉफिट जो एक्विजिशन करने से पहले का था दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट और ऐसा प्रॉफिट जो एक्विजिशन करने के बाद का था उसको हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट ठीक है profit, बहुत ही सिंपल है द प्रॉफिट विच इज बिफोर एक्विजिशन इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट विच इज आफ्टर एक्विजिशन इज कॉल्ड एज रेवेन्यू प्रॉफिट अभी इसको लिखने का कैसे ध्यान से फिर से एक बार क्वेश्चन में जाते हैं आई होप मैं एकदम स्लोली जा रहा हूं आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वी हैव जनरल रिजर्व और किसका लेने का माइनॉरिटी का ही लेने का मेजोरिटी का कुछ नहीं करने का वो बैलेंस शीट में जाएगा दिख रहा है आपको यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा तो है आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दो प्रॉफिट है आपके पास यहाँ पे फोर्टी एंड ट्वेंटी फाइव याद रखना नंबर और आपका यहाँ पे एक प्रॉफिट दिया है ट्वेंटी थाउजेंड का ठीक है अभी हम इसको प्रेजेंटेशन करते हैं बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है, है देखो कैसे करना है ठीक है सबसे पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट दिया था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का राइट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैंने एस का अमाउंट लिया uh, है एस जो माइनॉरिटी है उसमें से एडजस्टमेंट में आपको अमाउंट दिया था करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा ट्वेंटी थाउजेंड तो आपने क्या कर दिया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से ट्वेंटी थाउजेंड माइनस कर दिया जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो आपका कैपिटल प्रॉफिट में आएगा आप बोलेंगे ऐसा क्यों करने का रेवेन्यू में क्यों नहीं लिखना है रेवेन्यू में हम लिखेंगे रेवेन्यू में हम कौन सा लिखेंगे जो आपका करंट ईयर प्रॉफिट है ना बीस हजार उसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू में उसके लिए ही हम लोग ने रेशियो ढूंढा है ठीक है दूसरा जो हमारा रिजर्व है दैट इज कॉल्ड ए जनरल रिजर्व ठीक है यही इंपॉर्टेंट है ये अगर आपने ध्यान से ढूंढ लिया तो इट्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू अब जनरल रिजर्व कितना दिया था जनरल रिजर्व फोर्टी थाउजेंड एक एडजस्टमेंट डाला है जनरल रिजर्व पे फिर से चलते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर देखो एडजस्टमेंट बोल रहा है एडजस्टमेंट नंबर टू जनरल रिजर्व अपियड इन द बैलेंस शीट ऑफ एस हैज रिमेन अनचेंज अनचेंज रहेगा थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेईस तक अनचेंज मतलब कुछ नहीं करना है सीधा उठा के कैपिटल में लिख देना है तो जनरल रिजर्व कितना था आपका जनरल रिजर्व था फोर्टी थाउजेंड तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया रेवेन्यू में डैश और ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है प्रॉफिट फॉर द ईयर इसके लिए हमने एक रेशो ढूंढा था अगर आपको याद है तो वर्किंग नोट में वन इज टू थ्री और आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है ट्वेंटी थाउजेंड तो अगर आपको ट्वेंटी थाउजेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ट्वेंटी थाउजेंड अगर हम वन इज़ टू थ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप कैलकुलेटर पे करके देख लो तो आपको आंसर आ जाएगा फाइव थाउजेंड यहाँ पे और फिफ्टीन थाउजेंड यहाँ पे ठीक है फिर आपको क्या करना है इसका टोटल करना है और इसका भी टोटल करना है तो इसका तो टोटल कुछ आएगा इन डायरेक्ट सीधा पंद्रह हज़ार आ जाएगा इसका टोटल आप करें फोर्टी प्लस फाइव इज़ फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस फाइव इज़ फिफ्टी थाउजेंड दिस इज़ योर टोटल ठीक है अभी अभी आता है इंपॉर्टेंट रोल ठीक है आपके पास दो कंपनी है एक है एच तो यहां पे आएगा शेयर ऑफ एच लिमिटेड एच लिमिटेड कौन है ये आपके रेफरेंस के लिए मेजोरिटी है राइट और एस लिमिटेड कौन है एस लिमिटेड है माइनॉरिटी तो यहां पे आएगा शेयर ऑफ एस लिमिटेड ब्रैकेट में आपको लिखना है माइनॉरिटी ठीक है रेशो क्या था रेशो कहां पे आएगा रेशियो देखो यहां पे हम लोग ने किया है देखो यहां पे दिख रहा है आपको थ्री इंस टू टू का रेशो है थ्री टू टू का रेशो है वही रेशो में आपको ये प्रॉफिट को बांटने का है बाकी कुछ नहीं करना है ये फिफ्टी थाउजेंड है इसको हमको थ्री इंस टू टू में बांटना है फिफ्टी थाउजेंड को थ्री इंस टू टू में हम लोग बांटेंगे तो फर्स्ट वाले को मिलेगा थर्टी थाउजेंड और सेकेंड वाले को मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड राइट सिमिलरली फिफ्टीन थाउजेंड को भी आपको इस रेशो में बांटना है तो या इसको मिलेगा नाइन थाउजेंड और ये सेकेंड वाले को मिलेगा सिक्स थाउजेंड दैट्स इट अगर आपने ये वर्किंग नोट सही कर लिया तो आपका आधा काम हो चुका है और आपको आगे वाले वर्किंग नोट्स में रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है लेकिन ये वर्किंग नोट गलत तभी होता है जब आपको आप इसके पहले का वर्किंग नोट जो है रेशो वो भी गलत करते हैं बिकॉज रेशोस ही यहाँ पे मैंने यूज किए हैं टू बाइफर तो आप ध्यान से देखिए इसको और अगर समझो क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर होता ही नहीं अगर समझो क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर होता ही नहीं तो क्या होता फिर उस केस में आपको पी एंड एल पे कोई एडजस्टमेंट दिया जाता कि पी एंड एल में से इतना एक्विजिशन से पहले का है तो जो भी एक्विजिशन से पहले का है उसको कैपिटल प्रॉफिट में डालो जो भी एक्विजिशन के बाद का है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट में डालो बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको तो ये हमने जो आंसर ढूंढ लिए थर्टी ट्वेंटी नाइन और सिक्स ये अभी आगे अपने वर्किंग नोट्स में काम की चीज है तो ध्यान रखना ठीक है तो फर्स्ट वर्किंग नोट हमने बनाया रेशो सेकेंड वर्किंग नोट काफी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट तो अभी हम जाएंगे हमारे थर्ड वर्किंग नोट में हमारा थर्ड वर्किंग नोट है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसमें हम लोग क्या करते हैं कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो मैं आपको अभी लिखवाता हूँ कैसे अमाउंट आएंगे हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा इसमें से हमको लेस करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हमको लेस करना है क्या लेस करना है पेड़ अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, कहाँ से अमाउंट आएंगे सारी चीजें बताऊंगा ध्यान से नोट no डाउन करें उसके बाद हमको यहां से लेस करना है शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ठीक है बहुत ही सिंपल तो यू विल गेट दी आंसर कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल कभी कैपिटल रिजर्व आता है कभी गुडविल आता है है अभी एक चीज आपको याद रखना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो वर्किंग नोट होता है ना ये वर्किंग नोट किसका होता है Majority का होता है है कौन हमारा एच लिमिटेड है ठीक है मेजोरिटी कौन है हमारा एच लिमिटेड है अभी हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले देखेंगे सीधा चलते हैं सम में ताकि आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चले देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे है दिख रहा है आपको वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स कहां से लाएंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे रेशो के वर्किंग नोट में अगर हम रेशो के वर्किंग नोट में देखें यहां पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर ये दिख रहे वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स के लिए हम लोग ने बाइफरकेट किया था फिफ्टीन थाउजेंड शेयर्स वन लाख फिफ्टी फाइव नहीं फिफ्टीन थाउजेंड शेयर तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं तो अभी देखो कैसे करना है ठीक है देखो ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा सभी कुछ समझ में आने वाला है तो अभी आपको करना क्या है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लिखना है वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने लिखी एच ने कितने शेयर्स एक्वायर किए थे एच ने पंद्रह हजार शेयर्स एक्वायर किए थे फेस वैल्यू कितने था दस रुपया था तो फेस वैल्यू दस से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया एक लाख पचास हजार का ठीक है बहुत सिंपल उसके बाद एच का कैपिटल प्रॉफिट में शेयर कितना है सीधा पिछले वर्किंग नोट में चलते हैं एच का कैपिटल शेयर में प्रॉफिट देखो कैपिटल शेयर का प्रॉफिट एच का ये तो इसको एक टिकमा कर लेते हैं मतलब हमारा ये वैल्यू अभी हमको लिखना है और ये हमारा हो चुका है तो यहाँ पे अभी हम लोग डालेंगे थर्टी थाउजेंड ठीक है बहुत सिंपल तो वन लैख फिफ्टी फाइव में से वन लैख फिफ्टी गया और थर्टी गया ठीक है तो आपको नेगेटिव आंसर आता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो याद रखना है वेन एवर यू गेट नेगेटिव आंसर दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व ठीक है ये क्या है ये है आपका कैपिटल रिजर्व और यही आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो आपको मिलेगा गुडविल तो इसी आंसर को हमको नाम चेंज कर देना है तो इफ यू गेट नेगेटिव आंसर इट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व एंड इफ यू गेट पॉजिटिव आंसर इट इज कॉल्ड एज गुडविल दैट्स इट बाकी और कुछ नहीं करना है लेकिन ये वर्किंग नोट पिछले वर्किंग नोट को रिलेट कर रहा था तो ये था हमारा तीसरा वर्किंग नोट विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरी वन फर्स्ट वर्किंग नोट हमने बनाया रेशियो सेकेंड वर्किंग नोट हमने बनाया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट थर्ड वर्किंग नोट हमने बनाया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अभी हम जाएंगे हमारे माइनॉरिटी के पास माइनॉरिटी कौन है एस है ठीक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनॉरिटी कौन है सबसे पहले आपको लिखना है माइनॉरिटी कौन है माइनॉरिटी है एस लिमिटेड एस लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है पंद्रह हजार एच लेके गया तो एस लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है दस हजार शेयर्स है ठीक है इसको अभी कैसे करना है इसको अभी सबसे पहले लिखना है यही फॉर्मेट याद रखना फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ढूंढते वक्त सभी कुछ ऐड ही होता है ये भी याद रखना पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स इसके बाद आपको प्लस करना है एड शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट उसका शेयर कैपिटल प्रॉफिट का हम लोग ने वर्किंग नोट बनाया था मैं वही से अमाउंट लेने वाला हूं फिर से एड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ठीक है दोनों प्लस कर देना है बाकी कुछ नहीं करना है एंड आंसर आपको मिल जाएगा तो यह कहां से ढूंढना है पेडअप वैल्यू देखो दस हजार शेयर थे हमको शेयर्स के साथ फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो यू विल गेट वन लैक एस लाख आपको अमाउंट मिल गया राइट right? अभी कैपिटल प्रॉफिट में और रेवेन्यू प्रॉफिट में इसका शेयर कितना है एस का वो उसके लिए वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा वर्किंग नोट देखते हैं देखो आपने ढूंढा है कितना इसका शेयर है कैपिटल प्रॉफिट में है ट्वेंटी थाउजेंड राइट और रेवेन्यू प्रॉफिट में है सिक्स थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड तो यही आपको यहाँ पे लिख देना है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पर आपका आ जाएगा सिक्स थाउजेंड तो आपको ये प्लस कर देना है एंड दिस वैल्यू विल बी वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी हम कहते हैं। uh, तो ये हमारा working note number four है। तो हमारा है। है अभी अभी हमने four working notes prepare कर लिए। हमको जाना है next working note में। और नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है तो चलते हैं एडजस्टमेंट में पहले और एडजस्टमेंट से आपको आइडिया आ जाएगा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है ऑन फर्स्ट फेब्रुवरी 2024 थाउजेंड एच लिमिटेड सोल्ड टू एस लिमिटेड गुड्स कॉस्टिंग 8000 फॉर 10000 तो आपको ऐसे दो अमाउंट है इनका डिफरेंस लेना है डिफरेंस कितना होगा 2000 एंड 25 परसेंट ऑफ दिस गुड्स रिमेन अनसोल्ड बस दैट्स इट इसका 25 परसेंट ढूंढ लेना है तो 2000 का 25 परसेंट ढूंढेंगे तो पाँच आएगा इतना आएगा फाइव हंड्रेड आएगा टू थाउजेंड कैसे आया टू थाउजेंड तो आपको, तो आपको लिख के देता हूँ आपके पास टेन थाउजेंड की वैल्यू थी माइनस एट थाउजेंड की वैल्यू थी तो इनका डिफरेंस आ गया दो हजार और दो हजार का आपको पच्चीस परसेंट करना है एंड दैट वैल्यू विल बी 500. तो ये 500 के इफेक्ट्स आएंगे अभी ये 500 हंड्रेड के इफेक्ट क्या है जो भी मेजोरिटी का प्रॉफिट एंड लॉस है मेजोरिटी का पी एंड एल इसके बाद हम वो एक वर्किंग नोट बनाएंगे उसमें से आपको लेस करना है और दूसरा जो है जो स्टॉक है इन्वेंट्री जो है उसमें से भी आपको लेस करना है दोनों जगह पर से आपको लेस ही करना है बाकी कुछ नहीं करना है तो ये था हमारा अनरिलेस प्रॉफिट का वर्किंग नोट आई होप दिस इज क्लियर ज़्यादा कैलकुलेटेड नहीं था अभी ये इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेजोरिटी अब ये कैसे ढूंढने का ठीक है ये कैसे ढूंढने का देखो हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन में जाने के बाद आपको एक डिटेल आइडिया आ जाएगा देखो आपको करना क्या है एच लिमिटेड मेजोरिटी है इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको इधर दिख रहा है एट्टी थाउजेंड ठीक है मैं ये अमाउंट से शुरू करूंगा और इसमें हम लोग अमाउंट भरेंगे और कैलकुलेशन करेंगे ठीक है अभी आपको करना क्या है एक हमारा कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट में से एक पॉइंट बचा है ये देखो ये टिकमाक टिक टिकमाक मैंने ऑलरेडी किया है ये अभी बचा है नाइन थाउजेंड तो वो अभी हमको लिखना पड़ेगा लास्ट वर्किंग नोट में तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कहां से लाया क्वेश्चन से लाया एटी थाउजेंड ठीक है इसके बाद आपको ऐड करना है शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट क्या ऐड करना है शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट वो अभी हम लोग ने देखा भी था वो था आपका नाइन थाउजेंड राइट उसके बाद आपको क्या करना है अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस करना है अनरियलाइज प्रॉफिट वो हमने अभी सीखा हमने कैलकुलेट भी कर लिया कितना हमने कैलकुलेट कर लिया पाँच सौ रुपया ठीक है तो इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा और ये आंसर बनेगा एट्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज योर बैलेंस दिस अमाउंट विल बी पोस्टेड टू बैलेंस शीट अब हम बैलेंस शीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो ऐसे आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं इतने सारे वर्किंग नोट्स अगर आप प्रॉपरली बनाओगे तो बैलेंस शीट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व अब हम बैलेंस शीट देखेंगे कि कैसे बैलेंस शीट में इसको पोस्ट करना है कैसे वैल्यूज को यहाँ पर लिखना है एंड किस तरीके से आपको अमाउंट्स को प्रेजेंट करना है ध्यान से समझना मैंने बैलेंस शीट में डायरेक्ट अमाउंट लिखे हैं लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आपको अमाउंट प्रिपेयर करने है देखो सबसे पहले बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आता है शेयर कैपिटल ठीक है शेयर कैपिटल कैसे लेने का अब ये ध्यान से समझते हैं ठीक है शेयर कैपिटल कैसे लेने का हम लोग ध्यान से समझते हैं और उसके बाद फिर बाकी की चीज आपको बताता हूँ देखो शेयर कैपिटल जब हम शेयर कैपिटल लेंगे तो आपका जो मेजोरिटी है मेजोरिटी के पास कितना शेयर कैपिटल है नाइन लैक्स बस वही लिखना है बाकी कुछ भी नहीं लिखना है तो नाइन लैक्स हमारा शेयर कैपिटल हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे जब हम रिजर्व्स लिखेंगे रिजर्व्स तो रिजर्व्स में आपको क्या करना है रिजर्व्स में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको क्या करना है वन लैख सिक्सटी लेना है बराबर है वन लैख सिक्सटी लेना है ये प्रॉफिट एंड लॉस एट्टी थाउजेंड नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है एट्टी थाउजेंड हमने उसको वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट कर लिया था और हमने कितना कैलकुलेट किया था हमने कैलकुलेट किया था 88,500 एट right? थाउजेंड फाइव हंड्रेड राइट हमने 88,500 एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैलकुलेट किया तो वो 88,500 एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारा आएगा वन लैख सिक्सटी आएगा 88,500 एट फाइव हंड्रेड आएगा एंड और एक चीज आएगा कैपिटल रिजर्व आपने कैलकुलेट किया था देखो दिखाई देता हूँ देखो हम लोग वर्किंग नोट में जाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का एक वर्किंग नोट हमने बनाया था राइट तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारा वर्किंग नोट था नंबर तीसरा वाला तो उस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमको वर्किंग नोट में कितना मिला ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर आपका जनरल रिजर्व वन लैख सिक्सटी थाउजेंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस एटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन सबको आपको क्या करना है इन सबको आपको ऐड करना है इन सबको आपको ऐड करना है और अगर इन सबको आपको ऐड करना है तो ऐड करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आपके पास आ जाएगा टू लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट विल बी द पॉइंट तो इसमें हमने क्या क्या लिखा इसमें हमने लिखा जनरल रिजर्व इसमें हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस जो वर्किंग नोट से आया था और इस पर हमने लिखा कैपिटल रिजर्व तो ये तीन पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं और उसका टोटल करके ये वैल्यू आ गया इन दोनों का टोटल किया तो हमको ये वैल्यू बाहर मिल गया नेक्स्ट हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो आप ऑलरेडी जानते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने लिख दिया वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फिर अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा वो भी बता देता हूँ तो आप अपने बेस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं एक तो आएगा आपका बिल्स पेएबल और दूसरा आएगा आपका क्रेडिटर्स ठीक है क्या करना है बिल्स uh, पेबल में दोनों का ऐड करना है दोनों का ऐड करना है बिल्स पेबल में क्या करना है दोनों का ऐड करना है और एक एडजस्टमेंट था अगर आपको याद है तो देखो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था फिर भी एक बार दिखाई देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज ना हो जाए देखो एडजस्टमेंट क्या था एक बार चेक कर लेते ठीक है ये देखो ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट दिख रहा है पंद्रह हजार और आठ हजार का डिफरेंस आता है सात हजार मैंने सिखाया आपको तो ये सात हजार को आपको लेस करना है दोनों का प्लस करना है और उसमें से सात हजार लेस करना है बिल्स पेबल में से भी और बिल्स रिसीवेबल में से भी सेम करना है बाकी कुछ नहीं करना है ठीक है बिल्स पेएबल में से भी और बिल्स रिसीवेबल में से भी तो ये आप करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बिल्स पेएबल का और क्रेडिटर्स का करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड क्रेडिटर्स में भी आपको क्या करना है दोनों का प्लस करना है और एक एडजस्टमेंट था क्रेडिटर्स का जिसमें आपको दिया था फोर थाउजेंड तो वो लेस करना है और वही आपको डेटर्स में से भी लेस करना है उसके बाद आएगा आपका टोटल टोटल आपको आता है फोर्टीन लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज योर टोटल ऑफ बैलेंस शीट सिमिलरली उसके बाद आपको नॉन करंट असेट्स दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको हम लोग फिक्स असेट्स भी कहते हैं तो यहाँ पे आपके फिक्स असेट्स आए मशीनरी फर्नीचर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आए इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज इज नथिंग बट स्टॉक दोनों का प्लस करना है और उसमें याद रखना पाँच सौ रुपया माइनस करना है क्यों माइनस करना है वो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक जो था वो आपको माइनस करना है राइट काफ़ी सिंपल है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको क्या करना है दोनों का प्लस करना है एंड जो क्रेडिटर्स में से फोर थाउजेंड माइनस किया वो फोर थाउजेंड माइनस कर देना है तो यू विल गेट द आंसर वन लैख ट्वेंटी नाइन कैश एंड कैश इक्वी में आपके पास एक पॉइंट है दैट इज कैश एड बैंक ठीक है एक बिल्स रिसीवेबल नाम का पॉइंट है आपके पास असेट में चेक कर लेते हैं बिल्स रिसीवेबल अरे इधर भी मैंने बिल्स पेबल ही लिख दिया बाय मिस्टेक ये देखो यहाँ पे बिल्स पेबल नहीं यहाँ पे भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हाँ दिस इज़ बिल्स रिसीवेबल दिस इज़ बिल्स पेबल तो बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल को क्या करना है आपको प्लस करना है और उसमें से वो जो आपने सेवन थाउजेंड बिल्स पेबल में से माइनस किया था वही यहाँ पे भी माइनस कर देना है दैट विल बी योर पॉइंट एंड सिमिलरली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका वन लैख थर्टी आ जाएगा ये तीनों का टोटल है फोर लैक एट फाइव हंड्रेड इज द टोटल ऑफ इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश यू विल गेट दिस टोटल एंड आफ्टर दैट आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगा दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन आई हैव सॉल्व फॉर यू अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें बाकी के भी क्वेश्चन को और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स पे शेयर करना ना भूले बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना कंसोलिडेशन का चैप्टर सभी का क्लियर हो सकता है एंड मैंने एकदम डिटेल में बनाया है काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉइंट आपको एनालाइज करके बताया है वीडियो थोड़ा लेंथी बना है लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन इससे क्लियर होने वाले हैं मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बाय बाय टेक केयर